ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड दे देती हूँ जो हमने कल की क्लास में देखा था. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड फॉर दैट. यस, सो मैंने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवाए थे. करेक्ट, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू दिस नोट. सो ये नोट यूज करने का वक्त आ चुका है. ठीक है, यहाँ पे इस नोट में क्या बोला है कि आपका अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिक्स. तो इसको स्प्लिट कर सकते हो आप एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिक्स, जहां पे जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो सेकेंड मैट्रिक्स होगी वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, अभी सिमेट्रिक कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक कैसी होती है, ये हमने फर्स्ट या सेकेंड लेसन में ही पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो तभी का आपको याद होना चाहिए हाउ इज सिमेट्रिक, हाउ इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये आपको करना है. अभी आपका क्वेश्चन क्या है सामने, कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, दिस इज गिवन, ओके, एंड यू हैव टू स्प्लिट इट इन टू मैट्रिसेस, सम ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, तो वो कैसे होगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मेट, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज. क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, तो ये डायरेक्टली हम लोग यूज करने वाले, ये फॉर्मेट डायरेक्टली हम लोग यूज करने वाले. तो देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. आपको कॉन्सेप्ट समझा क्या है एवरीवन, ये मैंने कल ही डिस्कस किया है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, चलो तो देखो ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स की, लेट्स अज्यूम दिस इज योर मैट्रिक्स की. सो अगर ये ए है, मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ, मैं सबसे पहले इसको मुझे ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो ट्रांसपोज मैंने क्या बोला था, व्हाट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में बस एक ही चीज याद रखो, ठीक है, दैट इज स्लीप इज इक्वल टू वेक. बस यही चीज याद रखना है आपको, स्लीप इज इक्वल टू वेक. तो जो लोग स्लीपिंग है, देखो ये लोग स्लीपिंग है, उनको जगा दो. सो 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 एंड माइनस 4 माइनस 5 2. ओके, यस, तो ये है आपका ट्रांसपोज. आपको एक बार ट्रांसपोज मिल गया, देन यू हैव टू फाइंड आउट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट. ठीक है, वी नो दैट, अगर पता नहीं भी है तो भी लिखना है वी नो दैट. व्हाट डू वी नो, ए मैट्रिक्स कैन बी स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ओके, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज. ठीक है, तो अभी आपको बस ये वाला ब्रैकेट फाइंड आउट करना है और ये वाला ब्रैकेट. तो a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. ठीक है, आपके सामने दोनों भी मैट्रिसेस है, जिस आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो देयरफॉर a प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं पहले, माइनस टू माइनस फोर, थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस वन वन टू, प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2. ओके, ये हो गया. अभी आपको करना क्या है, ये तो एडिशन करना है, सिंपल एकदम. चलो एडिशन करते हैं, मेरे साथ करेंगे सब लोग. ठीक है, तो ये हो गया 9 1 5, माइनस 5, ये 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 एंड 4.
ठीक है, देखो जरा क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टेल मी यस और नो। नो नो, पक्का सिमेट्रिक है है ना? यस, सिमेट्रिक है। ये कैसे पता चलेगा? फॉर न्यू स्टूडेंट्स आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, सिमेट्रिक है ये कैसे पता चलेगा? आपको ना बस तीन जोड़ियां याद रखनी, ठीक है, तीन जोड़ियां आपको क्रॉस चेक करनी है कि वो तीन जोड़ियां सेम है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए आप पहले तो ये जोड़ी देखोगे, ठीक है, ये सेम है तो हाँ ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते। फिर ये सेकेंड जोड़ी है दिस एंड दिस, ये भी सेम है ना, एंड थर्ड जोड़ी है ये दिस एंड दिस, ठीक है। तो बेसिकली सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या चेक करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब अगर ये ए टू वन है तो ये ए वन टू है, ये दोनों सेम होने चाहिए, वैसे ही ये और ये सेम होने चाहिए और ये और ये सेम होने चाहिए, ये तीनों सेम है तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं माइनस, देखो इसको करेंगे मैम, माइनस या 3 + 3 = 6 ना, यू गोट ओ नाइन। यस यस 3 + 3 = 6, ओके थैंक यू, या सो 3 + 3 = 6, नाउ वी विल सबट्रैक्ट इट। चलो सबट्रैक्ट करते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एड द माइनस साइन हियर। यस, अभी इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते कि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है कि ओके, सो लेट्स डू दैट। सो 3 - 3 = 0, -2 - 3 - 5, -4 - -1, तो +1 हो जाएगा -3, देन 3 + 2 = 5, देन 0 -6, ये हो जाएगा 3, 1 - -5 1 + 6, एंड 2 - 2 = 0, ओके। तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक यस मैम। है? यस हाँ, तो जो पुराने बच्चे उनको समझेगा, वापस आपको वही जोड़ियां देखनी है, पहले ये जोड़ी, ठीक है, फिर ये जोड़ी एंड फिर ये जोड़ी, बस इस बार आपका स्क्यू सिमेट्रिक जब भी होता है तो एक माइनस साइन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपका ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए इक्वल होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक माइनस साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देखो इस जोड़ी में 5 5, बट माइनस साइन का डिफरेंस 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -6, यहाँ पे 6, एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक के ये दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के ये दो प्रॉपर्टीज है, तो आप इन दोनों को वेरीफाई कर सकते हो और फिर आपको समझ जाएगा कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं इसको भी यहाँ पे लिखती हूँ, सो दिस आई हैव रिटन फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, ये आप नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, ये आप नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मुझे ये स्क्यू सिमेट्रिक मिल चुका है। नाउ आई कैन यूज दिस फॉर्मेट अगेन, ओके, सो ए विल बी व्हाट, हाफ इनटू, पहले मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, लेट मी जस्ट, तो ये है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स 6 1 - 5, 1 - 4 - 4, -5 - 4 = 4, प्लस हाफ इनटू, बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है आपको, सो 0 - 5 - 3, 5 0 - 6, 3 6 0, दैट्स इट। सो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करने मत जाओ, आपको वापस ए ही मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो आपको उसका एक्सपांडेड वर्जन लिखना, समझे क्वेश्चन का मेथड, मतलब टाइप क्या है।
and this is your symmetric matrix and this is your skew symmetric matrix. Okay, तो आप ए मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में स्प्लिट कर सकते हो, ये आपने प्रूव किया. ठीक है, समझा है सम सबको? थोड़ा सा अलग है बट जरूर इसका प्रैक्टिस करना, एकदम सिंपल है, बस ट्रांसपोज आपको ठीक से लेना आना चाहिए. ओके, या और ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है. देखो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था जब मैंने ये लिखा था यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये पॉसिबल है. ट्रांसपोज आप किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हो. ध्यान दो यहाँ पे, ट्रांसपोज आप किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हो, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ यूज होगी. ठीक है, चलेगा आगे बढ़े. यस, सब लोग इतने शांत शांत क्यों हैं? एटलीस्ट चैट तो कर ही सकते हो मेरे साथ, यस और नो तो बोल ही सकते हो. हाँ शिवम, शिवम तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है, क्यों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी मैं नया कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. सो हम आई जस्ट टोल्ड दैट कि देखो मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ए मैट्रिक्स है उसको स्प्लिट कर रहे हैं दो मैट्रिसेस में. ठीक है, जो जिसमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है. ये शिवम, पुराने सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है और मैंने आपको ऐप में ऐड भी किया है, आपको ऐप चेक करना पड़ेगा, फीनिक्स ऐप. अगर नहीं समझ रहा है तो लेक्चर के बाद मुझे कनेक्ट करो, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. यस, ओके. सो जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा सा खुद से अप्रोच करना पड़ेगा गाइज. ठीक है, क्योंकि मैं तो सिखा के चली जाऊंगी बट अगर आपका कुछ मिस आउट हुआ है, अगर आपको लगता है कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड नहीं किया है, तो यू शुड यू नो रिमाइंड मी कि हाँ मैम करो करो करो, फिर मैं करूंगी ना. सो दैट इज वाई, ओके, बिकॉज समटाइम्स आई मे फॉरगेट, बट आपको अगर करना है, आपको सीखना है, यू वॉन्ट द रिकॉर्डेड सेशंस, सो यू शुड टेल मी. तो उसके लिए खुद से थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा फॉर द न्यू स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग. और अगर आपको नहीं समझ रहा है ऐप में कैसे देखना है वीडियो, तो उसके लिए भी आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, सो एक नया कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू ट्रांसपोज, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ये कभी बोलेंगे जब इसको आप ऐसे लिखो. ठीक है, ये ऐसे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई. अभी आई आपको पता है, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो A into A transpose. आप A और A transpose का मल्टीप्लीकेशन करो किसी भी सीक्वेंस में, और अगर आपको I मिलता है, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में करो और अगर आपको I मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, then that A is called as orthogonal. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको एकदम समझ जाएगा एक क्वेश्चन से ही. ओके, देखो, सो show that this is a orthogonal matrix. अभी आपका trigonometry भी चल रहा है, yes or no? Trigonometry तो सबको है topic, right? तो वो भी आपको अच्छे से prepare करना है, क्योंकि trigonometry जैसे आप देख सकते हो
साइन कॉस मैट्राइसिस में भी घुस सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उधर ही रहेगा, वो मैट्रिक्स में नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे भी घुस सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, वी विल राइट डाउन सॉल्यूशन। वी नो दैट अगेन, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब डैश लिखो, ए रेस टू टी लिखो, इज सेम। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये मुझे पता है। तो अभी मुझे करना क्या है, मेरे पास ए है, मुझे उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, आप बोलोगे मैम ये साइन कॉस के साथ कैसे, सेम वैसे ही करना है आपको जैसे आप हमेशा करते हो। तो पहले ए लिखो, सो आप इधर लिख सकते हो हियर ए ट्रांसपोज इज व्हाट, पहले ट्रांसपोज लिख देते हैं। सो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है ना, सो ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं अभी। तो पहले ए लिख लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया। अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऑलराइट। सो इसका मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे है। सो जैसे कि मैंने कल भी कहा था, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो कॉस इनटू कॉस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। देन साइन इनटू साइन क्या लिखेंगे, प्लस करके साइन स्क्वायर, बराबर। अभी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो कॉस इनटू माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस साइन इंटू कॉस, तो अगेन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लेंथ बड़ा लगेगा, बट इट इज वही कर रहे हैं जो हम नंबर्स के साथ कर रहे थे। ठीक है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो माइनस साइन इंटू प्लस कॉस, माइनस साइन इंटू कॉस, प्लस कॉस इंटू साइन। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इंटू साइन। ठीक है, एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन इंटू माइनस साइन विल बी साइन स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर, प्लस कॉस इंटू कॉस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी आपने आइडेंटिटीज तो पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर तो 1 होता है ना, यस और नो, ये पढ़ा है कि नहीं 10th स्टैंडर्ड में। है ना, यस। सो ये है 1, ये भी 1। अभी ये देखो 0 है, ये कॉस साइन कॉस साइन, ये प्लस माइनस, तो ये तो 0 हो गया। ये वाला भी माइनस कॉस साइन प्लस कॉस साइन, तो ये तो 0। देखा, मिल गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज नथिंग बट आई, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। सो देयरफॉर given matrix is orthogonal। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं कि is the given matrix orthogonal, yes or no। ठीक है, MCQs में भी इसको पूछ सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, बस आपको ट्रांसपोज लेना है और मल्टीप्लाई करके I आता है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो ये MCQs में भी पूछ सकते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट याद रखो। ओके एवरीवन, व्हाट इज ऑर्थोगोनल, ए इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, बस इतना याद रखो। ओके,
तो इसमें ट्रांसपोज आना चाहिए आपको और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं हम लोग आज के मेन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। बट मेन कॉन्सेप्ट से पहले थोड़ा सा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी न्यू स्टूडेंट्स भी है, राइट। सो नाउ पे अटेंशन एवरीवन। चल सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो मेरे पुराने बच्चे उनको तो एकदम अच्छे से याद होगा, है ना, माइनस कोफैक्टर्स। बोलो जरा पता है कि नहीं। राइट तो माइनर और कोफैक्टर होता क्या है? इट दे आर जस्ट नंबर्स जो हम किसी भी मैट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जी इज डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आईथ रो एंड जेथ कॉलम। देखो अभी सपोज आप कोई भी मैट्रिक्स लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज 2, 4, 9, 6। मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल, अभी नया हो या पुराना स्टूडेंट हो उसको एटलीस्ट ये तो पता होगा इसका एड्रेस कैसे लिखते हैं। A11, A21, A12, A22, बराबर, ये हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी अगर मुझे सपोज इसका माइनर ढूंढना है, ओके, मुझे अगर सपोज अभी माइनर को डिनोट कैसे करते हैं, इससे MMIG ऐसे डिनोट करते, ठीक है। तो अगर मुझे इसका माइनर चाहिए, M11 का माइनर चाहिए, मतलब M11 चाहिए, तो मुझे इसको मतलब A11 ये वाले टर्म को टारगेट करना पड़ेगा और फिर इसके रो को और इसके कॉलम को कट करना पड़ेगा। तो जो बचता है वो आपका माइनर, ठीक है, जो बचता है वो आपका माइनर है। सेम वे अगर मुझे M12 लिखना है, ठीक है, M12 लिखना है, तो अभी M12 कौन सा एलिमेंट है मेरा, ये वाला है, तो उसको टारगेट करो और उसके रो को और उसके कॉलम को कट करो, जो भी बचेगा वो आपका माइनर रहेगा, 4, ठीक है। तो इस तरह से आप माइनर्स लिख सकते हो, बराबर। अभी यही चीज अगर मैंने आपको 3x3 मैट्रिक्स के लिए लिखा है, ठीक है, लेट्स सी, एक 3x3 मैट्रिक्स में बता देती हूँ, रैंडम नंबर्स लिख देते हैं, सो इसका कैसे लिखते हैं हम लोग एड्रेसेस, ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, करेक्ट, ये हम ऐसे लिखते हैं। अभी सपोज मुझे इसका माइनर चाहिए, कोई भी माइनर ले लो, एक्चुअली हमको तो सारे माइनर्स लिखते हैं, बट सपोज हम M11 ही करते हैं, स्टार्ट उसी से करेंगे, तो M11 मतलब मेरा ये एलिमेंट है, ठीक है, इसका माइनर चाहिए, तो इसके रो को, हाँ, इसके रो को और इसके कॉलम को उड़ा दो और जो बचता है उसका डिटरमिनेंट ले, ठीक है। चार एलिमेंट्स बचते हैं यहाँ पे, इनका डिटरमिनेंट लेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे करना है, बटरफ्लाई मेथड से। सो 5 × 9 = 45 - 0, दैट इज 45, तो M11 क्या हो गया, -45, ठीक है, इस तरह से, राइट। अगर मुझे सपोज और एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से मुझे चाहिए माइनर ऑफ A23, M23 चाहिए मुझे, तो A23 कहाँ पे है, ये वाला एलिमेंट, इसका आपको माइनर चाहिए, तो आप इसके रो को और इसके कॉलम को कट करोगे, फिर चार नंबर्स जो बचते हैं उनको डिटरमिनेंट ले लो, 1, 2, 7, 0, बराबर, देन 1 × 0 -2, 7 = 14, तो ये आपका -14 आ गया, ये होता है माइनर। तो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का माइनर ले सकते, माइनर हो गया। अभी हम कोफैक्टर की बात करते, ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालते, कोफैक्टर के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है,
ठीक है, सी आई जे, कोफैक्टर के लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, सी आई जी इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू आई प्लस जी, ठीक है, इनटू एम आई जी. तो आई जी मतलब क्या है, रो एंड कॉलम नंबर. जैसे कि यहाँ पे सपोज अभी मैं एम टू थ्री, तो मुझे सी टू थ्री चाहिए, बराबर. तो मैं क्या करूंगी, माइनस वन रेज टू टू प्लस थ्री इंटू एम टू थ्री, ठीक है. अभी माइनस वन रेज टू टू प्लस थ्री ये हो जाएगा माइनस वन रेज टू फाइव, और एम टू थ्री तो वैल्यू आपको पता है माइनस फोर्टीन, करेक्ट. अभी निगेटिव नंबर रेज टू ऑड पावर, तो ये तो माइनस वन ही रहेगा ना, तो माइनस वन इंटू माइनस फोर्टीन, आपका सी टू थ्री का आंसर क्या है, फोर्टीन. समझे हो? तो इस तरह से कोफैक्टर्स निकालते, ये हमने सब कुछ डिटरमिनेंट्स में किया हुआ है, बट स्टिल मैंने जस्ट थोड़ा सा एक छोटा सा रिविजन दे दिया, सो दैट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझे, ठीक है एवरीवन. यस, ओके. तो ये सबका रिवाइज हो गया है, सबको अभी याद आ गया है क्या था माइनर एंड कोफैक्टर. अभी इसका यूज हम लोग मैट्रिक्स इनवर्स में करेंगे, कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे करते. So, उसके लिए मैं पीपीटी शेयर करूंगी अभी, आई एम गोइंग टू शो यू द पीपीटी. सो जस्ट ओके, सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. अभी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है जब आप नंबर्स के साथ ऐसे कुछ करते हो. सपोज मुझे टू के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे आंसर वन मिले. क्या बोला मैंने, पहले सिर्फ इतने में ध्यान दो, पहले सिर्फ इतना ध्यान दो, ठीक है, कि टू के साथ मुझे कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे वन मिले, या फिर फाइव के साथ मुझे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे वन मिले. तो आप एकदम इंस्टेंटली बोलोगे कि हाँ मैम, टू के साथ हाफ को मल्टीप्लाई करो और फाइव के साथ वन बाय फाइव को मल्टीप्लाई करो, तो आपको वन मिलेगा, है ना, करेक्ट है, राइट. तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल, है ना. ये था नंबर्स के साथ, बट मैट्रिक्स के साथ कैसे होता है, मतलब मुझे ए के साथ कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका आंसर मुझे वन, वन मतलब यूनिट मैट्रिक्स में, या फिर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका आंसर मुझे आई मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स में. तो उसे हम कहते हैं, ये जो मैट्रिक्स होता है इसे हम कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स. तो ए रेज टू माइनस वन क्या होता है, इनवर्स होता है, ओके. ए रेज टू माइनस वन क्या होता है, इनवर्स होता है. तो ये जो रेसिप्रोकल है वो तो एकदम इजी है, आप एकदम मतलब नींद में भी रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, बट मैट्रिक्स इनवर्स निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, कि ए से आप ए इनवर्स कैसे निकालो. तो इस पे पूरा क्वेश्चन, ठीक है. तो आपको दो मेथड्स करने पड़ेंगे, एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स के लिए और एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स के लिए. टू क्रॉस टू मैट्रिक्स बोले तो छोटू मैट्रिक्स, ए वन वन, ए टू वन, सॉरी ए वन टू, ए टू वन, ए टू, ठीक है, ये वाले मैट्रिक्स के. ए वन वन, ए टू वन, ए वन टू, ए टू. तो टू क्रॉस टू के लिए पहले मैं बता रही हूँ इनवर्स का प्रोसेस. Yes dear, A inverse हमेशा ऐसे लिखना है, A raise to minus one, इसी का मीनिंग होता है A inverse. बाकी इसके लिए कोई दूसरा ये नहीं है, सिंबल नहीं है. So this is inverse का सिंबल, मतलब A, अगर A मैट्रिक्स हुआ तो B मैट्रिक्स हुआ तो उसका इनवर्स रहेगा B inverse, C मैट्रिक्स हुआ तो C इनवर्स, ऐसे, समझे. ओके,
आगे बढ़ते हैं. तो स्टेप वन क्या है, देखो स्टेप वन इज यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. आपका फॉर्मूला क्या है इसको अच्छे से दिमाग में एकदम फिट करो. ठीक है, ये फॉर्मूला आप 2x2 और 3x3 मतलब कोई भी मैट्रिक्स समझ लो, आप यही फॉर्मूला यूज करो. क्या है फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/A determinant. ये जो है ये कौन है, ये डिटर्मिनेंट है. ओके, एंड दिस इज ADA, दिस इज एडजॉइंट A. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं. ओके, सो ये एडजॉइंट मेथड ही है जो हम पढ़ रहे हैं, ये एडजॉइंट मेथड ही है. सो ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, पहले तो फॉर्मूला लिखना है स्टेप वन. फिर स्टेप टू क्या है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट. अभी डिटर्मिनेंट में भी आपका एक ये है कि डिटर्मिनेंट ना जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर जीरो हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है, इट शुड बी नॉट जीरो. अगर जीरो हो गया, इफ डिटर्मिनेंट जीरो है, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इनवर्स अब तक एग्जिस्ट ही नहीं होगा. आप यहाँ पे देखो 1/0 अगर आप लिखोगे तो इट विल बी नॉट डिफाइंड, आपको इनवर्स मिलेगा ही नहीं. तो एडजॉइंट निकालने की बात ही नहीं करनी, आपका सेकेंड स्टेप में ही सम खत्म. तो अगर कभी भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करने बोला है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, अगर जीरो आया तो सम उधर ही खत्म, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. बट अगर जीरो नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी मिल रहा है आपको, देन यू हैव टू डू द थर्ड स्टेप. ओके, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट. यस, सो एडजॉइंट मतलब क्या, सी लेट मी टेल यू एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. अभी 2x2 के लिए एडजॉइंट निकालना इज वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, बस इंटरचेंज एंड चेंज द साइन. किसको इंटरचेंज एंड किसको साइन चेंज, देखो आपने सपोज ये मैट्रिक्स ऐसे लिखा है ए बी सी, तो ये जो मैट्रिक्स है मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ए बी, यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा सा दूसरे कलर में. एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो अगर आपको इसका एडजॉइंट चाहिए तो आपको इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज करना है, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करना है. ठीक है, तो मतलब कैसे लिखोगे, डी और ए एस इंटरचेंज, और इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज करना है, मतलब माइनस सी और माइनस. देखो मैंने यहाँ पे भी सेम चीज की, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व तो यहाँ पे सेम चीज क्या है, ए और डी का इंटरचेंज, सी और बी को साइन चेंज. बस आपको एडजॉइंट मिल गया, बाकी कुछ नहीं करना है. तो 2x2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करना इज वेरी सिंपल. ओके, समझा है इतना, थ्री स्टेप्स. पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूला लिख. दूसरा स्टेप क्या है, डिटर्मिनेंट निकाल. तीसरा स्टेप क्या है, एडजॉइंट निकाल. अभी फोर्थ स्टेप क्या है, फॉर्मूला में अप्लाई कर दो. राइट, तो फॉर्मूला में अप्लाई करना है, दैट इज 1/AD-BC. अभी ये AD-BC क्या किया मैम आपने, ये आपका डिटर्मिनेंट ही है ना, करेक्ट. अगर मुझे इसका लेट्स से मैं बोलती हूँ कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, A×D-C×B करोगे ना, या B×C करोगे, तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया. बराबर, तो ये 1/Determinant एंड ये इंटरचेंज जो साइन चेंज किया हुआ, करेक्ट. तो ये है एक शॉर्टकट, दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक. डायरेक्टली आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो नंबर्स को और आपको डायरेक्ट इनवर्स मिलेगा. तो ये शॉर्टकट ट्रिक क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि आपको MCQs भी आने वाले हैं, राइट.
तो एमसीक्यूज में शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा फटाफट। मतलब कोई भी चार नंबर्स दिए हैं उनको एबीसीडी ले लो एंड देन इस फॉर्मेट में लिखो एंड यू विल गेट द आंसर। सबको समझा है? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शो यू एग्जाम्पल ऑल्सो, बट क्या ये समझा एवरीवन? यस ओके चलिए। हाँ तो ऐसे जरा रिप्लाई किया करो तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं किसी को सिखा रही हूँ। वेरी गुड। चलिए तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट, तो देखो ये इसको मैंने क्या किया रे, मैंने ना इसको ऐसे अज्यूम किया कि दिस इज इक्वल टू ए बी सी डी ऐसे, ठीक है? ये कर लोगे ना आपका काम एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो ये वन अपॉन ए डी माइनस बी सी जो कि डिटरमिनेंट है, फिर ए और डी को इंटरचेंज और सी और बी का साइन चेंज, ठीक है? बस अभी इस फॉर्मेट में सारे नंबर्स लिख दो, मतलब वन अपॉन ए डी, तो ए और डी थ्री इंटू एट, थ्री एट जा 24, माइनस बी सी तो सिक्स फोर जा 24। अरे देखो यहाँ पे ही आपको मिल गया, ये तो जीरो आने वाला है, करेक्ट? ये तो जीरो आने वाला है। सो सिंस डिटरमिनेंट इज जीरो, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट ही पता करना है हमेशा, फिर आपको ये मतलब एडजॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, पहले आपको डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट करना। अगर डिटरमिनेंट जीरो तो बस उधर ही काम रोक, ठीक है? ये क्वेश्चन समझा है सबको? सारे टाइप्स के एक एक क्वेश्चन जरूर करूंगी, तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसका डिटरमिनेंट, इसका एडजॉइंट इनवर्स क्या है ऐसे। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम, इसको ले लो ए बी सी डी, इजी पड़ता है हमें, इसको ले लो ए बी सी डी। तो अभी इस फॉर्मेट में अपने को इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये जस्ट याद रखो कि ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है? ये आपका शॉर्टकट है जिससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर्स फटाफट निकालने के, ठीक है? अभी आप करोगे ए डी माइनस बी सी, तो ये 10 आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली आपको ये भी एडजॉइंट में निकालना ही पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकाला? बस इंटरचेंज और साइन चेंज, इंटरचेंज साइन चेंज किया, फिर यहां तक भी आंसर आप रख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर मैंने ये 1 बाय 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो सब डिवाइड बाय 10 हो गया सारे नंबर्स, तो वो 0.6, 0.02 ये सब आ गया। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट या फिर दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है? समझा है कैसे सॉल्व करना है? एडजॉइंट इनवर्स मतलब इनवर्स बाय एडजॉइंट। Yes, everyone. Yeah, ये 2x2 है guys. 2x2 is very simple. आप सिर्फ देख के भी बता कर सकते हो, सिर्फ देख के, मतलब जो लोग बहुत अभी प्रैक्टिस हो जाएगी ना उनको विदाउट पेन यूज करे भी इसका आंसर आ सकता है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। बट 3x3 उतना ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी मैं, उतना ही लेंदी है। So, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, 3x3 देखते हैं। ओके नाउ 3x3 में भी पहले मैं स्टेप्स बता दूं, तो स्टेप 1 क्या है, राइट द फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने कहा आपका फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम है, ओके, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? तो स्टेप 1 इज सेम, स्टेप 2 इज आल्सो सेम कि डिटरमिनेंट फाइंड करो, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो नॉट जीरो है तो आप आगे का स्टेप करो, अगर जीरो है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, ठीक है? कि अगर बाय चांस ए डिटरमिनेंट जीरो है
तो आगे फिर करने की जरूरत नहीं। देन अगर नॉन जीरो है मतलब मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, देन यू विल गो टू स्टेप थ्री, दैट इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे मेन ट्विस्ट आता है, 2x2 में ट्रांसपोज मतलब सॉरी 2x2 में एडजॉइंट फाइंड आउट करना वॉज वेरी, 3x3 का एडजॉइंट फाइंड आउट करना इज लेंथी। ठीक है, तो व्हाट इज द एडजॉइंट? एडजॉइंट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा? मैंने अभी भी बताया ना कोफैक्टर, वो वाला। ठीक है, सारे 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। देन फोर्थ इज, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, पहले फिर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, एंड देन लास्टली अप्लाई द फॉर्मूला एंड क्रॉस चेक इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मेनली आपके 3x3 में चैलेंज कहाँ पे आता है? चैलेंज आता है यहाँ पे स्टेप 4 में, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यस सोहन, इट इज गोइंग टू बी लेंथी, इसीलिए तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बट मैं इसका भी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाली हूँ, विच यू कैन यूज फॉर MCQs। तो MCQs में भी आपको 3x3 का इनवर्स पूछते हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि ये लेंथी होगा स्टूडेंट्स के लिए, वो फिर भी पूछते हैं। ओके, बट मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको वो जो लेंथी प्रोसेस था 5 to 6 मिनट्स का, वो बस 60 seconds में हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में हो जाएगा। तो वो मैं एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, पहले तो हम लोग जो नॉर्मल मेथड है उससे करते हैं। ओके, पहले नॉर्मल मेथड देख लो, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पहले मैंने क्या लिखा, स्टेप 1 फॉर्मूला, स्टेप 2 डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसका डिटरमिनेंट देखते क्या है, मैंने डिटरमिनेंट लिखा है 10 आया, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट मतलब क्या, इनवर्स पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है, अभी हम जाएंगे स्टेप 3 पे, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर का फॉर्मूला मैं वापस लिखती हूँ यहाँ पे, Cij इज इक्वल टू -1 raised to i + j इनटू Mij। ओके, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोफैक्टर निकालने वाला हूँ। मैंने आपको बोला था पहले माइनर निकालो फिर कोफैक्टर निकालो, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, तो बेसिकली करना क्या है आपको, C11 चाहिए, मतलब -1 raised to 1+1, राइट। फिर आपको 1 1 का चाहिए ना, तो 1 1 मतलब 3 जो है 1 1, उसके रो को और कॉलम को हम कैंसिल करेंगे, और फिर इसका डिटरमिनेंट ले लो। मैंने डिटरमिनेंट डायरेक्टली लिख दिया, और ये -1 raised to 2 हो गया ना, तो वो 1 बन गया सिर्फ, +1, और इसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली आपको कोफैक्टर में। तो आप एक ही स्टेप में माइनर भी निकाल सकते हो। ठीक है, C21 मतलब कौन सा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट होगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे इसके रो को और कॉलम को, जो भी बचेगा। अभी देखो ये -1 raised to 2+1, तो -1 raised to 3 हो गया, तो ये हो गया -1, यहाँ पे मैंने लिखा। तो आपको दोनों साथ में करना है। ठीक है, एंड इसका डिटरमिनेंट देखो 0 - 2, तो डिटरमिनेंट भी ले लिया मैंने, मतलब माइनर ले लिया, तो ये क्या है, ये माइनर्स है, हम निकाल रहे हैं। आंसर आप लिख सकते हो, तो एक ही स्टेप में आपका कोफैक्टर आ रहा है। देन C31, ठीक है, C12, आई होप ये समझ रहे है क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना सबको? जिसको नहीं समझ रहा है प्लीज गो एंड चेक आउट द वीडियो जहां पे मैंने ये सिखाया है कोफैक्टर और ये। ओके, चलो, तो ये तो आपको पता है, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीन को फैक्टर्स बाकी है, ठीक है। yes. अभी आपको सारे 9 को फैक्टर्स मिल चुके, देन यू हैव टू मेक द को फैक्टर मैट्रिक्स। तो मतलब C13, 23, 33, तो जहां पे जो मिला है बस वो आपको सब्सटीट्यूट करना है। C13 मतलब ये, C23 एंड C33, करेक्ट। तो मैंने जस्ट सब्सटीट्यूट कर, ऐसे ही आपको बाकी के भी सब्सटीट्यूट करने हैं। सारे कर दिए, ये आपका मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसको ले लो ट्रांसपोज, मिल गया ट्रांसपोज, ओके। एंड नाउ फाइनल स्टेप, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो, हमने डिटरमिनेंट ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया था 10, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो। एंड ये जो मैट्रिक्स मिली है एडजॉइंट, उसको यहाँ पे पुट अप, बस ये आपका इनवर्स है, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर अंदर 1/10 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन ऑल्सो इट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल्सो कैन बी फाइनल आंसर, दिस ऑल्सो कैन बी, ठीक है। उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा। सो वी आर डन। अभी मुझे बताओ ये सब करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स बताओ जरा, फ्लैंकली बताना, क्या लगता है आपको खुद को, आपके स्पीड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा ये पूरा सम सॉल्व करने में। ओके, सो हम मिसिंग 8 मिनट्स, ओके। बाकी लोग व्हाट डू यू थिंक, आपके स्पीड के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कितना टाइम लगेगा ये सम को सॉल्व। 5 मिनट, चलो 4 से 5 मिनट तो लगेगा ही, राइट। कितना भी कोई फास्ट कैलकुलेटर होने दो आप, एटलीस्ट 5 मिनट्स तो लगेगा। बट एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं दे सकते, और एमसीक्यू में इतना सॉल्व करने को आप तो जान जाएगा कि नहीं मैं क्यों इतना सॉल्व करूं, बस 1 या 2 मार्क्स के लिए, है ना। सो यही चीज अभी हम शॉर्टकट वे में सीखेंगे। तो इतना सब कुछ, हाँ पेपर अगर आपका थ्योरी पेपर आता है तो आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आपके 4 मार्क्स मिलने वाले, देन यू हैव टू राइट डाउन। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन इन द थ्योरी पेपर, देन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स इन 60 seconds, मतलब 1 मिनट में, ठीक है। और अगर आप उसको बहुत प्रैक्टिस करते हो ना तो 60 seconds भी नहीं लगेगा, आप एकदम लाइक 30 seconds में भी आंसर लिख सकते, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये लेंथी प्रोसेस को हम डिच करते हैं, ठीक है, और एक नया सम लेते हैं। ये मुझे मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ओके। मैंने पहले तो सेम जो प्रोसीजर है इसका डिटरमिनेंट वगैरह फाइंड आउट कर लिया, राइट। अभी मुझे बताओ ये सब में ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम कहाँ लगता है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, वो भी 3x3 का। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसी को एडजॉइंट फाइंड आउट करने का शॉर्टकट वे मैं बोल रही हूँ। चलो क्या करना है, पहले तो आपका जो मैट्रिक्स है ना वो लिख लो। देखो ये जो मेरे नंबर्स है 1, 2, -2, -1, 3, 0 जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना वो लिख लो पहले ऐसे। फिर आपको पता है ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2, बराबर। फिर करना क्या है, सबसे पहले आपको रिपीट करना है C1 एंड C2। स्टेप 1 क्या है आपका, आपको रिपीट करना है C1 एंड C2। तो C1 कौन है रे, 1 -1 0, एंड C2 कौन है, 2, 3, -2। तो आपको रिपीट करना है, देखो ऐसे हो गए रिपीट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको रिपीट करना है R1 और R2। अभी आपका R1 ये पूरा हुआ, हाँ यहां से लेके यहां तक ये पूरा R1 हुआ, 5 नंबर्स का R1, तो रिपीट कर लिया मैंने, ओके ये रिपीट हो गया। अभी थर्ड स्टेप क्या करना है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको ये कैंसिल करना है,
थर्ड स्टेप क्या किया मैंने, ये कैंसिल कर दिया. ओके अभी स्टार्ट होता है हमारा कैलकुलेशंस, अभी हमारा कैलकुलेशंस स्टार्ट होता है. देखो करना क्या है, एकदम ध्यान देना सब लोग. आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लोली. सी आपको स्टार्ट करना है इस नंबर से. और आपको एक चीज याद करनी है, ऐसे दिस गो अप एंड देन गो डाउन. क्या किया मैंने एक बार वापस देखो, एक बार वापस देखो. तो पहले हमने क्या किया, पहले सिर्फ हमने मैट्रिक्स लिखा, फिर C1 C2 को रिपीट किया, मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट किया, और फिर ये जो एकदम बाउंड्री पे जो रो और कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसको कैंसिल आउट कर दिया. फिर हमारे पास कुछ ये नंबर्स बचते हैं. अभी हमको स्टार्ट करना है कैलकुलेशन. देखो तो हमको जाना कैसे है, 3 × 1 ऊपर जाते हो तो माइनस करना है, 0 × −2 ऐसे इस तरह से आपको करना है. सो 3 × 1 is 3. ओके माइनस 0 × −2 is 0. ठीक है, देन नेक्स्ट इज 0, तो 0 × 0 is 0 माइनस ये क्या होगा, −1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए. अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली, बट आपको लिखना है वर्टिकल. ठीक है, तो ये होगा 0 − −1. ओके देन अगेन −1 × −2 is 2, तो यहाँ पे 2 लिखो. माइनस जब ऊपर जाते हो तो माइनस करो, और फिर वापस ये मल्टीप्लाई करो, 3 × 0 is 0. समझा क्या किया मैंने, डिटर्मिनेंट ही निकाल रही हूँ, बट मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रही हूँ, मैंने लिखा है वर्टिकल. ओके अभी चलो नेक्स्ट रो के पास, नेक्स्ट रो. अभी यहां से स्टार्ट करेंगे 2 से. सो 2 × −2 × −2 will be 4. ठीक है, फिर ऊपर जाते जाते माइनस, 1 × 2 is −2. ठीक है, अगेन 1 × 1 = 1 − 0. सो 1 − 0, फिर ये 0 − −2, करेक्ट 0 − −2. समझ रहा है ना क्या कर रही हूं मैं, सॉल्विंग हॉरिजॉन्टली राइटिंग वर्टिकल. देन लास्ट वाला भी ऐसे ही करना है. ओके आई विल जस्ट टेक अ न्यू शेड. हाँ, तो 2 × 0 = 0 −−6. सो 0 − −6. ठीक है, देन −2 × −1 −0, 2 − 0, एंड ये लास्ट 3 × 1 = 3 −−2. सो 3 − −2. ठीक है, ये आ गया आपको एक बार, बस फिर इसको सॉल्व करना है, राइट, बस इसको सॉल्व करना है. देख ये क्या है, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 3 − 0 = 3, 1 2, 4 − 2 = 2, 1 2, 6 2 5. ठीक है, ये मुझे आंसर मिल रहा है. अभी हम क्रॉस चेक करते हैं कि मेरा आंसर राइट है या नहीं. देखो राइट है ना, समझा क्या क्या किया हमने. मैम रिपीट वंस फ्रॉम C1 और C2. यस, मैं क्या करूंगी अभी एक नया ही ये लेती हूँ एग्जाम्पल, और फिर मैं वापस रिपीट, बट थोड़ा थोड़ा समझा है एटलीस्ट क्या किया यहाँ पे. तो जो एडजॉइंट में इतना टाइम लगता था ना, वही हमने एकदम श्रिंक कर दिया. ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक नया एग्जाम्पल लेती हूँ. ठीक है, यस एंड अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. अभी ये तो बस ऐसे ही था, तो मैं क्या करती हूँ इसको, आई विल टेक इन द नोट. Let me share again.
तो देखो मैंने ये सारा जो मेरा पीपीटी का ये है, मैंने ये वाला भी स्लाइड यहाँ पे मेंशन किया है, तो यू कैन क्रॉस चेक इट। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम सेम पहले शॉर्टकट मेथड से ट्राई करते हैं। शॉर्टकट मेथड से ही कर रहे हैं, तो पहले तो क्या करना है आपको, जो नंबर्स दिए है वो लिख लो, 1 -1 0 2। अच्छा एक काम करो, लिखते टाइम इसको ना थोड़ा स्पेस आउट करके लिखो, 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। ठीक है, फिर सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि C1 और C2 को रिपीट करना है। तो 1 -1 0 2 3 -2 ये रिपीट कर लिया, फिर R1 और R2 को रिपीट कर। तो R1 में अभी पांच पांच लोग हैं, तो पांचों को रिपीट करो, 1 2 -2 1 2 एंड -1 3 0 -1 3। तो मेरा देखो स्पेसिंग कितना है, तो आप लोग भी वैसे ही लिखो, ये एनीवे आपको रफ में करना है, ठीक है। ये रफ में करना है, ये कहीं पे भी पेपर में मत करना गलती से, एग्जाम में ये रफ वर्क है, ठीक है। ये हो गया, फिर आपको कैंसिल आउट करना है, तो क्या कैंसिल करोगी, पहला रो एंड पहला कॉलम कैंसिल कर दो, इसको भूल जाओ, इसके साथ कुछ नहीं करना। यस करेक्ट, अभी हमको इसी से एडजॉइंट मिलेगा, ठीक है। देखो एडजॉइंट एडजॉइंट ए मिलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, ओके। चलो एक एक करके सॉल्व करते, वापस मैं नया कलर्स लेती हूँ। सो स्टार्ट करो यहाँ से, 3 × 1 ऐसे जाएंगे, 3 × 1 = 3, ऊपर जाओगे तो माइनस करना है, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो ये माइनस, यहाँ पे 0 × 0 बराबर 10। हॉरिजॉन्टली जाओ, ठीक है, 0 × 0 = 0, तो यहाँ पे 0 लिखो, बट लिखना आपको वर्टिकली, ऊपर जाओगे तो माइनस एंड फिर -1 × 1 = -1, ओके। देन -1 × -2 = 2, -0 इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। हो गया, अभी मैं ये यही ट्रिक है आपकी, हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है, लिखना वर्टिकली है, ये आपको याद रहना चाहिए कभी भी, ओके ना। नेक्स्ट, फिर आप भी दूसरे कलर्स यूज कर सकते हो चाहिए तो। अभी यहां से स्टार्ट करेंगे वापस, 2 × -2 तो ये 4 हो गया, माइनस ऊपर जाओगे तो -1 × 2 = 2, ठीक है। देन 1 × 1 = 1 -0 1 - 0 0 - -2 तो 0 - -2, ठीक है। देन 2 × 0 = 0 -6 तो 0 - -6। अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन उठा लिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये हो गया 2 - 0 2 - 0 एंड ये 3 - -2 3 - -2, ओके आ गया। बस फिर इसको सॉल्व करो, आ गया आपका एडजॉइंट 3 1 2 2 1 2 6 2 5, है ना। सेम सम है जो मैंने पीपीटी में सॉल्व किया था, वही सम है, ठीक है। बट मुझे आंसर भी सेम ही आया, आगे समझा है कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो ये आपका रफ वर्क होगा, ये आपका एडजॉइंट आ गया, ये आपका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। फिर आपको डिटरमिनेंट निकालना है एंड देन ए इनवर्स विल बी 1/ डिटरमिनेंट, अभी इसका 1 ही है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट 1 ही है, आप लिख सकते हो। और एडजॉइंट क्या है, ये बस आ गया आपका इनवर्स, या तो
एमसीक्यूज में ये मेथड आपको बहुत काम आने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। अगर एमसीक्यू एग्जाम होती है आपकी और आपको इनवर्स तो जरूर पूछेंगे मैट्रिक्स में, तो ये मेथड बहुत काम आने वाला है। जो कोफैक्टर वाला मेथड है वो भी मैं सम करवाऊंगी उस पर भी, बट वो कभी यूज होगा अगर आपका एग्जाम थ्योरी एग्जाम होता है तो, ठीक है, तभी काम आए, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। बट फिर भी यू शुड नो इट बिकॉज वो भी पूछ सकते एग्जाम। तो दोनों याद रखो और इसको प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट है बट जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत बार तभी वो 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हो, समझे? यस, सो अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? 2x2 इज वेरी सिंपल, 2x2 का आप यही याद रखो, ये भी शॉर्टकट ही ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है? बट 3x3 के लिए यूज दिस शॉर्टकट, आपका लाइफ आसान हो जाएगा। ओके गाइस, तो और भी क्वेश्चंस है, आप इसको सॉल्व करो होमवर्क में चाहिए तो। देखो ये तो एक होमवर्क ही दे रही हूं मैं, ठीक है, दिस इज अ होमवर्क, ये तो 2x2 ही है। ये जो 3x3 है ना, इसको आप शॉर्टकट मेथड से ट्राई करो। मैम बोलो, मैम लेंथी मेथड से आप दिखा सकते हो क्या एक बार, ये यही वाला सम? लेंथी मेथड से ओके, या फिर एक काम करूँ क्या मैं इसमें ना लेंथी मेथड का आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ इसका, ठीक है? ओके, हाँ इधर मैम इसका ही, हाँ जिसका शॉर्टकट की है, हाँ ओके यस इसी का दे, क्योंकि अभी हमारा टाइम अप हो गया ना, मैं इधर ही इसका सॉल्यूशन पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, फटाफट लिख के यहाँ पे ही सोल्यूशन दे दूंगी। ये शॉर्टकट है और लॉन्ग कट दोनों दे दूंगी, फिर यू कैन क्रॉस चेक, और फिर अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। तो अभी और एक सेशन लगेगा बस हमको मैट्रिक्स चैप्टर खत्म करने के लिए, देन यू आर डन विथ मैट्रिक्स। ओके यस, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। यस गिरीश, सोनाली मैम एक्चुअली थोड़े से उनका हेल्थ इश्यूज चल रहा है इसलिए उनका लेक्चर नहीं रख पाई मैं, बट मैम या मैम सिर्फ मैम को बोलो को कि फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू से थोड़ा भेज दे, ओके, बाकी लेक्चर नहीं होना चलेगा। यस मैम, यूनिट में फर्स्ट चैप्टर भी है और सेकंड का 50% है, एंड फिजिक्स का तो फर्स्ट चैप्टर तो हुआ ही नहीं मैम, अब पूरा चैप्टर है हमको और सेकंड 50-75। अच्छा सी, देखो वैसे भी ना यूनिट टेस्ट का पोर्शन सबका अलग अलग होगा, तो वो आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी से ही करना पड़ेगा, बट स्टिल आई विल आस्क द फैकल्टीज टू इफ पॉसिबल गिव यू एमसीक्यूज, या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको बताने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, ठीक है सर? मैम फिजिक्स के सर भेजने वाले थे, शायद भूल गए सर, पर सर ने बोला था मंडे तक भेजते, सर के पास है सर। अच्छा ठीक है, तो मैं सेम सोनाली मैम को भी बोलती हूँ, ठीक है? ओके, यस, थैंक यू, बाय बाय।